1980 के दशक में भारतीय सिनेमा में कालजयी मूवी आई थी। नाम था कालिया और किरदार थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। उस कहानी में अमिताभ बच्चन जेल जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं तो उनके नए अवतार को देखकर स्क्रीन तालियों से गूंज उठती है। वो रियल लाइफ थी और ये रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ के एक ऐसे किरदार हमारे साथ हैं, भारतीय राजनीति के एक स्थापित नाम, जिन्हें उनके जो नज़दीकी हैं वो मनीष भैया कहते हैं। और राघव चड्ढा के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार बच्चे मनीष अंकल कहते हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, दिल्ली सरकार में नंबर दो कहे जाने वाले हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका जी न्यूज़ पर। सर, धन्यवाद, शुक्रिया। सवाल मैं एक राजनेता से करूँ, एक उप मुख्यमंत्री से करूँ, उसके पहले सर मनीष सिसोदिया एक आम आदमी के तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि एक आम आदमी के तौर पर 17 महीने परिवार से दूर रहे, 17 महीने जेल में रहे और आपके मुताबिक वो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी जिसके चलते आपको जेल जाना पड़ा। जब वापस आए तो एक नेता तो वापस आया लेकिन एक पति एक पिता भी वापस आया, तो परिवार से मिले, अपने अंश से मिले, तो उस वक्त क्या सोच मन में चल रही थी? देखिए, राजनीति में जेल जाना, आरोप प्रत्यारोप लगना, ये सब तो स्वीकृत है। अगर आप लड़ रहे हैं और आप सोचें कि इन सब से बच जाएंगे या इन सब से डरेंगे तो इसमें मुझे नहीं लगता कि फिर राजनीतिक रास्ता ऐसे आदमी के लिए मुफीद है। तो उस तरह का तो कोई डर कभी पहले भी मन में नहीं था। हम तो आंदोलन से निकले, जेल से शुरुआत हुई थी जब आंदोलन के समय पे। एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए भी मुश्किल था क्योंकि उनके बीच में मेरे जाने के बाद काफ़ी उनको प्रॉब्लम हुई उनके शरीर में। लेकिन बच्चे के लिए भी देखें तो मेरा बेटा उस वक्त अभी कॉलेज एज में है और कॉलेज एज के बच्चे को अपने माता पिता से जो सपोर्ट चाहिए होता है वो अचानक चाहे अनचाहे उसकी लाइफ से हट गया, मतलब मैं हट गया, मैं जेल में चला गया। तो वो एक समस्या थी, बट मुझे लगता है प्राउड ऑफ माय फैमिली जिन्होंने मुझे खुल के कहा कि झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, जो रास्ता चुना है उसके अलावा किसी पे चलने का सोचना भी नहीं है, हम कष्ट सह लेंगे लेकिन कोई देश के लिए, लोकतंत्र के लिए जो आप लड़ रहे हो, शिक्षा के लिए जो आप लड़ रहे हो, इस लड़ाई को जारी रखना, तो इससे मेरा हौसला बढ़ जाता था। सर, आप तो इस पेशे में हैं तो आपका मनोबल संभवतः स्वाभाविक रूप से मजबूत रहा होगा, लेकिन एक बेटे के तौर पर आपका जो बेटा रहा उसके लिए क्या ट्रॉमेटाइज चीज़ें रही हैं? क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में हर चीज़ थी। पब्लिक परसेप्शन अगर ये थी कि आपने शिक्षा की नीति बनाई तो पब्लिक डोमेन में ये भी थी कि शराब नीति आपने बनाई, उसमें घोटाले का आरोप आपके ऊपर लगा। तो सबसे मजबूत जो चीज़ आपके पास एक व्यक्ति के तौर पर, एक पार्टी के संस्थापक के तौर पर थी, वो छवि थी, वही डेंट था। देखिए, अगर मतलब आपका परिवार आपकी हकीकत जानता है, दुनिया चाहे जो भी कुछ कहती रहे, अगर दुनिया में झूठी तारीफ हो रही है, किसी आर्टिफिशियल चीज़ पर तारीफ हो रही है तो परिवार उसकी भी हकीकत जानता है, और दुनिया में कुछ झूठी चीज़ की बुराई हो रही है, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, परिवार उसकी भी हकीकत जानता है। और यही मेरी स्ट्रेंथ थी। मेरा बेटा जानता था कि मेरे फादर ने कुछ गलत तो किया नहीं है, क्योंकि अगर कुछ गलत किया होता तो घर में भी आता हुआ दिखता उसको, घर पे उसका इम्पैक्ट दिखता, तो वो इतने लंबे समय से मुझको देख रहा है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी मेरे बेटे की, वो यही थी कि दुनिया कहती रही, राजनीति में कुछ भी कहते रहे, मैं अपने फादर को जानता हूँ, तो मुझे कभी उसकी टेंशन नहीं हुई और उसको मतलब उसको भी उसकी कोई टेंशन नहीं थी कि क्या होगा। अगर मैंने कुछ गलत किया होता और मेरे बेटे को ये लगता है कि यार मेरे फादर ने तो गलत किया है, अब तो फंस गए और अब मेरा क्या होगा है, मेरे फादर का क्या होगा, वो क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता था क्योंकि उसको पता है कि उसके फादर क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। मेरी वाइफ को पता है कि मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ। तो मेरी सच्चाई को मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा जानती है, मेरा बेटा सबसे ज़्यादा जानता है, और उस सच्चाई की ताकत को उनको कोई हिला नहीं सकता था। फिर जेल के दौरान बात होती थी परिवार से? हाँ, डेली वहाँ पर जेल में एक नियम है कि वो डेली 5 मिनट का फ़ोन कॉल अलाउ करते हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि मतलब वो 5 मिनट में ऑटो कट हो जाता है, मतलब इट कांट बी 5 मिनट, 1 सेकंड भी नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे मौके ऐसे आते थे जब आप कोई बात कर रहे हैं और आपने टाइमर की ओर ध्यान नहीं दिया है और आपकी बात कट जाती है। वो इमोशनल बात भी हो सकती है, वो कोई महत्वपूर्ण घर की बात भी हो सकती है, घर का डेवलपमेंट भी हो सकता है, पर वो थोड़ा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है। पर आपको मैं आपको ये भी कहूँगा कि उस 5 मिनट की कॉल ने
मुझे सिखाया कि परिवार के साथ एक एक क्षण कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो मुझे और ज़्यादा, मैं अपने परिवार को हमेशा से प्यार करता रहा, मेरा परिवार हमेशा से प्यार करता रहा, पर उस 5 मिनट की कॉल की लिमिटेशन ने या जेल की लिमिटेशन ने मेरे और मेरे परिवार के बीच के प्यार को और हजारों गुना बढ़ाया है। Z News.